हेलो दोस्तों, दिस इज मुद्दसर नायक। फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एफआरपी लॉक बाईपास करते हैं और सबसे बेस्ट एंड इजी वे। आप ये वीडियो देख के ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस से एफआरपी लॉक बाईपास कर सकते हो। उसके लिए रिक्वायरमेंट है एक सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले सिम कार्ड आप इस फोन में इंसर्ट कीजिए, उसके बाद दूसरा फोन से इस फोन में कॉल कीजिए। उसके बाद आप इस फोन में कॉल रिसीव कीजिए। देन इस तीन डॉट में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड कॉल में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस फोन में एक नंबर टाइप कीजिए, *#*#4636#*#*#। उसके बाद देखिए टेस्टिंग मेनू ओपन हो गया। उसके अंदर यूजेज स्टेटिस्टिक, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद बैक में क्लिक कीजिए एंड ये देख लीजिए सेटिंग ओपन हो गया। उसके बाद सिंपली बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन में जाके इसे रीसेट कर दीजिए। उसके लिए नीचे जाइए, देन बैकअप एंड रीसेट में क्लिक कीजिए। उसके बाद फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसमें क्लिक कीजिए। देन सिंपली रीसेट फोन में क्लिक कीजिए। उसके बाद इरेज एवरीथिंग में क्लिक कीजिए। रीसेट कंप्लीट हो जाने के बाद आप नॉर्मली आपका फोन सेटअप कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करना मत भूलिए। एंड सबसे जरूरी बात, मेरी ऐसी और कंप्यूटर मोबाइल एंड इंटरनेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।